अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपको टाइपस्क्रिप्ट के फंक्शन प्रॉमिस सिखाऊंगी, क्योंकि ये हमारे पेपर्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फंक्शन प्रॉमिस में ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं, तो मैं इसको आपको इजी तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगी। फंक्शन प्रॉमिस, अच्छा फंक्शन प्रॉमिस का जो पहला एक चीज़ उसूल है, इसमें हम कॉल बैक फंक्शन यूज़ करते हैं। कॉल बैक फंक्शन मैं आपको बाद में सिखाऊंगी, कॉल बैक फंक्शन का हम इसमें यूज़ करते हैं। और ये चीज़ आपने याद रखनी है कि प्रॉमिस जो है या तो रिजेक्ट होता है या फिर रिजॉल्व होता है, ठीक है। और अगर रिजेक्ट हो तो कैच यूज़ करते हैं, रिजॉल्व हो तो देन यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करने की तरफ चलते हैं, बहुत इजी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले हम ना रिजेक्ट करना सिखाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट माय प्रॉमिस, पी कैपिटल आएगा, उसको हम असाइन करेंगे न्यू प्रॉमिस। न्यू प्रॉमिस, अच्छा ये फंक्शन बनकर आ जाता है, इसको मैं कर देती हूँ इस तरह से। यहाँ पर हम इसको पैरामीटर देने के लिए वो करेंगे, अच्छा ये सॉरी रिजेक्ट होगा। इसके अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे, सबसे पहले उसका हम पैरामीटर के लिए देंगे, उसके बाद हम एरो देंगे, उसके बाद हम देंगे कर्ली ब्रेसेस। अच्छा जी, ये हमने छोटा सा सेंटेंस बना लिया। अच्छा, सबसे पहले हम चाहते हैं कि जब भी प्रोग्राम स्टार्ट हो तो पहले कुछ एक ना प्रिंट कर, एक जैसे लाइन कोई प्रिंट होकर आए तो वो लाइन हम लिख देते हैं प्रॉमिस पेंडिंग, ठीक है। इसके अंदर हमने दे दिया। अब क्या चाहते हैं हम लोग, अब हम चाहते हैं कि यार हम जब प्रॉमिस पेंडिंग करें और जब वो प्रॉमिस चेक करें कि वो रिजेक्ट हुआ है या रिजॉल्व हुआ है, तो उस टाइम पर यहाँ पर हम एक टाइम को सेट कर दें। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पर कुछ नहीं दिया, हम यहाँ पर पैरेंथेसिस में दो पैरामीटर देंगे, एक होगा रिजॉल्व जो कि हम हमेशा इसमें प्रॉमिस में देते हैं, और एक होगा रिजेक्ट, ठीक है। अच्छा, अभी हम सबसे पहले आपको मैं रिजेक्ट पे करना सिखा रही हूँ, तो इससे पहले हम इसको करके दिखाते हैं। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग के बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सेट टाइम का। सेट टाइम एक बना बनाया फंक्शन समझने होता है, जिसमें हम प्रॉपर एक टाइम लिमिट देते हैं जिसमें आपका नेक्स्ट जो लाइन है वो प्रिंट आउट हो। तो हम सेट टाइम के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कहते हैं इसकी, वो देंगे पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के बाद हम बनाएंगे कॉल बैक फंक्शन इसके अंदर, जो कि एरो फंक्शन से बनता है। और उसके अंदर अब हमने क्या करना है, उसके अंदर हम एक यहाँ ये जो सेट टाइम, अच्छा चलो ठीक है, हम क्योंकि अभी फ़िलहाल रिजेक्ट करना सिखा रहे हैं, तो मैं रिजेक्ट के लिए यहाँ पर लिखूँगी वो क्या प्रिंट हो गया उससे, रिजेक्ट के अंदर हम करेंगे प्रिंट प्रॉमिस रिजेक्ट Did, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसमें क्योंकि टाइम सेट करना है, तो हम इसमें टाइम इस तरह से सेट करेंगे, कोमा देंगे यहाँ पर। और अच्छा, जो ये हमारा जो ये प्रॉम क्या कहते हैं, जो हम ये टाइम इसमें टाइम जो सेट करते हैं, ये मिली सेकंड में आता है, सेकंड में नहीं आता, मिली सेकंड में आता है। अगर 1000 सेकंड मिली सेकंड होंगे तो वो एक सेकंड के बराबर होगा, तो हम यहाँ पर 2000 लिखें, यानी कि हम 2 सेकंड्स का यहाँ पर वो देंगे गैप, ठीक है। अच्छा, ये एक छोटा सा हमने बना लिया फंक्शन। अब हमने क्या करना है, अब हम चाह रहे हैं कि जब प्रॉमिस रिजेक्ट हो तो यहाँ कुछ प्रिंट भी तो हो, ठीक है। तो उसको हम किस तरीके से करेंगे, अरे मैं कुछ प्रिंट राइट कर दूँ, लिखा कुछ और ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे माय प्रॉमिस। अच्छा, जब भी जब फंक्शन रिजेक्ट होता है तो डॉट कैच यूज़ करते हैं हम, ठीक है।
ये इसका हमने दे दिया और यहाँ पर हम फिर कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे इस तरीके से। कॉल बैक फंक्शन में हम कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। अच्छा जी, अभी मैं सिर्फ आपको जो है ना रिजेक्ट होने का बता रही हूँ कि अगर रिजेक्ट होता है तो किस तरीके से होगा। ये मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से आ रही हूँ, इसके और भी काफ़ी सारे मेथड होते हैं लेकिन मैं बिल्कुल सिंपली आपको लेके चल रही हूँ कि इस तरीके से इंशाल्लाह आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। अब हम न्यू टर्मिनल खोल रही हूँ, सॉरी पहले से टर्मिनल मेरे पास खुला हुआ था, CLS TSC एंड एंड नॉट एप डॉट जेएस। देखिए पहले प्रॉमिस पेंडिंग प्रिंट हुआ और तकरीबन दो मिनट के बाद समथिंग वेंट डॉट, यानी कि प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम एक और ऐसे ही प्रॉमिस बनाएंगे जिसमें हम प्रॉमिस रिजॉल्व को करेंगे। पहले मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ क्योंकि अगर मैं इसको कमेंट आउट नहीं करूँगी तो वो फिर हमें थोड़ा सा मुश्किल ये होगी कि दो प्रॉमिस एट अ टाइम नहीं वर्क कर सकते। अच्छा, लेट माई प्रॉमिस इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस, फिर वही पैरेंथेसिस के, अरे यार ये क्यों प्रिंट हो रहा है, पहले ये हमने दिया इसका पैरामीटर के लिए, फिर हमने यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन बनाया, उसके बाद हमने ये दिया। अच्छा, कॉल बैक फंक्शन में हमने एज यूजल रिजॉल्व और रिजेक्ट का पैरामीटर पास किए, उसके बाद हमने कंसोल डॉट कंसोल लॉग किया प्रॉमिस पेंडिंग। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्योंकि काम करेंगे कि प्रॉमिस हमारा रिजेक्ट हो, तो हम यहाँ पर पहले तो सेट टाइम आउट करेंगे। सेट टाइम आउट किस तरह से होगा, कॉल बैक फंक्शन दे रही हूँ मैं यहाँ पर, मेरे यहाँ पर रूम में थोड़ा सा अंधेरा है जिसकी वजह से मुझसे कीज़ थोड़ी सी ना गलत प्रेस हो रही हैं। अब हमने रिजॉल्व का देना था, रिजॉल्व में हम लिखेंगे प्रॉमिस रिजॉल्व। अच्छा, और यहाँ पर हमने ये जो प्रिंट करना है वो करना है ऑलमोस्ट कितने मिनट सेकंड के बाद, टू सेकेंड्स के बाद, तो हमने यहाँ पर 2000 मेंशन कर दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इसको आगे का काम करना है, माई प्रॉमिस डॉट देन हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें प्रॉमिस हमारा रिजॉल्व हो रहा हो, डॉट देन पर हम कंसोल डॉट लॉग करवा देते हैं, सेम थिंग प्रॉमिस रिजेक्टेड, ठीक है। अच्छा, हम इसमें ना एक और काम भी कर सकते हैं, पहले मैं आपको ये दिखा दूं जो इजी तरीका था, वैसे तो खैर ज़्यादा इजी यही वे है, आप लोगों को इसको करने में ज़्यादा आसानी रहेगी, लेकिन अगर कहेंगे तो मैं और भी बता सकती हूँ। tsc.app.js, देखिए पहले प्रॉमिस पेंडिंग आया और अब आ गया, सॉरी मैंने क्या कर दिया, प्रॉमिस रिजेक्ट क्यों हो रहा है। अच्छा, मैंने प्रॉमिस रिजेक्ट बाय मिस्टेक मैंने रिजेक्ट लिख दिया, प्रॉमिस रिजॉल्व लिखना था। tsc.app.js
इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ ताकि आप क्लियरली देख सकें। पहले आएगा प्रॉमिस पेंडिंग और 2 सेकंड के बाद होगा प्रॉमिस रिजॉल्व्ड। अच्छा, ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया जो हमें क्लास में समझाया गया था, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन और भी इन्होंने दी हुई है, एक तरीके का और भी है, वो हम यूँ भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हम रिजॉल्व को, बल्कि आप ये रहने दें क्योंकि ये थोड़ा सा एक टफ तरीके का है, ये थोड़ा सा मैं भी इसमें कंफ्यूज हो रही थी तो मैंने इसकी थोड़ा सा इजी वे में ही समझाया आपको। लॉग डॉट और ये करके आप प्रॉमिस रिजॉल्व कर, बहुत ही आसान सा तरीका मैंने आपको समझाया है, इसको घर में ज़रूर प्रैक्टिस करें और इससे रिलेटेड आप जो है MCQs की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें कॉल बैक फंक्शन की तरफ आपको सिखाऊंगी क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।